सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साइड का वेरी इमोशनल डे आज लेकिन क्या कहना चाहेंगे आज वेल अब ऑब्वियसली इमोशनल डे तो है अब एज अ ह्यूमन आपको लगेगा ये बुरा तो लगता ही आखिरी डे है आज हमारा सेट पे बट इट्स ओके अब एज एन एक्टर एज अ पर्सन हम ग्रो किए हैं शो में अब हम नए जर्नी की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी ओके आपकी जो करियर वाइज देखे तो आपने हर अलग अलग शो में अलग अलग शेड आपने निभाए इसमें भी आपने कुछ अलग दिख दिया है जहाँ पे आपका रूड वेल इट्स कॉल एंटी हीरो कैरेक्टर ऑब्वियसली मेरे लिए बिल्कुल न्यू था इन मेकर्स के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ एंड दे ओनली थॉट कि मैं ऐसा रोल कर सकता हूँ मेरे दिमाग में तो था भी नहीं कि एंटी हीरो वाला कैरेक्टर मैं प्ले कर पाऊँगा एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे इवन द मेकर्स द चैनल द पीपल दे ऑल लव्ड इट एंड मुझे भी अपने बारे में एक नई चीज़ पता चली दैट इज़ आई कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स एज एन एक्टर करना तो था जब चैलेंज मिलता है तभी आप समझ पाते हो कि आप कितने कैपेबल हो तो आई वाज ब्लेस्ड कि ये चैलेंज मुझे मिला बाय माय मेकर्स तो वो अच्छा हुआ एंड लेट्स सी आगे और जो शोज़ होंगे उनमें भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ही मिलेंगे टेलीविजन के आप कबीर सिंह आप रहे हैं मतलब जिस तरह से हमने देखा है कैरेक्टर को लेकर तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मतलब वेल आई गेस ये तो ये फैंस ने वो एडिट वेडिट बना के कर दिया है बट आई फील उनका प्यार है ये जो ऐसे बोलते हैं प्लस मैंने सिर्फ एज गर्व करने की कोशिश की है जो मैं कर सकता था जो कैरेक्टर ग्राफ बना सकता था वो मैंने बनाया और बहुत लोगों ने पसंद किया एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था और बस अभी बस इतना ही बोल सकता हूँ यार बस ज़्यादा भी बोल नहीं पा रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव हम आप ही के लिए इतना करते हैं इतना मेहनत करते हैं और आप लोगों ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि आपको एंटरटेन करते रहें बहुत जल्दी वापस आएंगे स्क्रीन पे ब्रेक लेने के मूड में मैं भी नहीं हूँ ना नहीं आए आई एम श्योर विल बी बैक सून वेरी सून थैंक यू सो मच